देखिए जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के जो एक तरफा घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने, इस एक तरफा घोषणा के कारण पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में भारी रोष है, गुस्सा है। क्योंकि 1000 रुपये में आप मानोगे कि PF ESI कट के वो 700-800 रुपये पड़ेंगे, तो 700-800 रुपये की बढ़ोतरी को ज़्यादा बढ़ोतरी है। पिछले 2 साल से 1000 रुपये की घोषणा जो करी है, इसलिए पूरे प्रदेश का ग्रामीण सफाई कर्मचारी नाराज है। और ये 3 घोषणा करी है, ये तो 2000 जो हमारा औजारों का भत्ता है और 1000 रुपये धुलाई भत्ता है, ये तो प्रोसीडिंग जारी हो रही थी। 23 जनवरी 2023 को ACS के साथ मीटिंग हुई थी, तो ये तो उसमें पहले जारी हो रहा था। कोई नया कुछ नहीं किया सरकार ने। हम ये कहते हैं जो ये जो भत्ता लगाए हैं, ये भत्ता भी हमारे 8000 है, जो औजारों का जो भत्ता 2000 बनाया है वो भी 8000 की बात मांगती हमारी 6000 रुपये की, और हमारा जो धुलाई भत्ता है उसमें भी हमारा जो इन्होंने जो धोखा किया, और तो भर्ती करने का जो बात थी 6 आदमियों पर 8 आदमी भर्ती होंगे और 8 पे 10 होंगे, ये कोई तरीका नहीं है। क्योंकि गाँव की जो आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई 17 वर्षों में, बहुत सारी आबादी बढ़ी है, कॉलोनियाँ बढ़ी है, काम बढ़े हैं सफाई कर्मचारियों के। हम ये कहते हैं कि 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए, और सफाई करने के लिए जो सरकार हर बार हर साल जो ढिंडोरा पीटती है महा सफाई अभियान, कभी कोई सेल्फी खिंचवाता है, फ़ोटो खिंचवाता है, ये जो सेल्फी फ़ोटो खिंचवाने का करोड़ों रुपये जो खर्च किया जाता है, हम ये कहते हैं इतना पैसा अगर आप सफाई कर्मचारियों पर खर्च किया जाए तो देश प्रदेश गाँव में शहरों में अच्छी सफाई ये लोग करेंगे। लेकिन जब तक सफाई कर्मचारियों को जीने लायक वेतन नहीं मिलेगा, सफाई के औजार नहीं मिलेंगे, वो सफाई करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जो दायरा है 2000 की आबादी पे, हम ये कहते हैं कि 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए। और 17 वर्ष हो गए काम करते करते गाँव में सफाई कर्मचारियों को, अभी तक भी उनको कोई पॉलिसी बनाकर उनको पक्का नहीं किया गया है, और उनका न्यूनतम वेतन भी हम 26000 रुपये मांग रहे हैं। क्योंकि महंगाई के हिसाब से, महंगाई के आंकड़े के हिसाब से उनको जोड़ा जाए। तीसरा, BDPO के पेरोल पर इनको रखा जाए। और आज हाजिरी के नाम पर जो शोषण किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों को पूरे प्रदेश के अंदर, उस शोषण को मुक्ति पाने के लिए जो सफाई कर्मचारी हमारे पढ़े लिखे सफाई कर्मचारी हैं, हमें उनमें से भी हमारे ऊपर सुपरवाइज़र अपॉइंट किया जाए। जो शहर में सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो दरोगा होता है, इंस्पेक्टर होता है, उसी तर्ज पर ये जो हमारे सफाई कर्मचारियों में से होगा, तो हमारे जो शोषण से मुक्ति मिलेगी। इसलिए तीसरा, जो गाँव का जो सफाई कर्मचारी है, एस्क्रेशिया की पॉलिसी के तहत जिन सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है, मुआवजे सहित जो लगा रखा है 1,80,000 रुपये, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी फैमिली आईडी में, उसको 2 लाख के दायरे में नहीं आएगा। हम ये कहते हैं कि जो आप जो लगाया है, जो कंडीशन लगाई है, इस कंडीशन भी को भी ख़त्म किया जाए, और एक्सग्रेशिया की पॉलिसी के तहत मृतक कर्मचारियों के परिवार के अन्य आश्रितों को नौकरी दी जाए। तीसरा, जो 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आपने जो देखा होगा, कांग्रेस सरकार ने जब 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए हैं, वो सभी वर्गों को मिले हैं, सभी समाज के लोगों को मिले हैं। हम ये कहते हैं अपने मांग पत्र में कि गांव का जो सफाई कर्मचारी, उसको विशेष कैटेगरी मानकर उनको 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएँ, और उनको बढ़ाने के लिए, मकान बनाने के लिए एक अनुदान राशि उनको दी जाए। और ये 16 सूत्रीय मांग पत्र है जो हमने सरकार को, मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, पंचायत मंत्री को दे चुके हैं, डायरेक्टर को दे चुके हैं, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं बचा, कोई भी मंत्री नहीं बचा, और सभी विधायकों के वहाँ हमने दे चुके हैं। और हमारा जो सरकार ने जो एक तरफा फैसला किया है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारी रोष है। और 31 और 1 नवंबर को हमने 24 घंटे का पड़ाव पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के वहाँ रखा था, और आज हमारा 2 नवंबर और 3 नवंबर को पूरे प्रदेश में 24 घंटे का पड़ाव है DC के क्वार्टर पर, और भाजपा के और JJP के विधायकों के घर पर आवास पर वहाँ पड़ाव दे रखा है। और अगर सरकार ने हमारे मांग मुद्दों को टेबल पर बैठकर समाधान नहीं किया, तो हमने ऐलान कर दिया है कि हमारी ये हड़ताल 10 नवंबर तक जारी रहेगी। और जो सरकार ने, जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने 8 तारीख की जो घोषणा कर रखी है, उसमें तो देखा जाएगा क्या होता है, क्या बातचीत होती है, मिलने के बाद पता चलेगा उसमें क्या बातचीत होती है, क्या मांग मुद्दे हमारे निकलते हैं। इसलिए हमने आज अपनी हड़ताल को बढ़ाने का ऐलान कर दिया, हमारी हड़ताल 10 नवंबर तक जारी रहेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवीराम है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष।